सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97141385 ये भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है और 88108 59006 ये भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप दोनों भी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी यूपीपी लेखपाल एसएससी आदि का नोट्स प्राप्त करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। विज्ञापन आना सुनिश्चित है, उसके बाद आपको तैयारी की ही आवश्यकता पड़ेगी आपको सफलता प्राप्त करने के लिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ घटित हो रहा है और क्या कुछ घटित होने वाला है। कल बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ कई गणमान्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई कि आगामी आने वाले समय में, मतलब 2022 में, टेट के जितने भी विद्यार्थी क्वालिफाई हैं और जो 2021 के टेट में शामिल हो रहे हैं, चूंकि अब ये परीक्षा 2022 में हो रही है लेकिन टेट तो 2021 का ही है ना, उन विद्यार्थियों के लिए जो वैकेंसी का जो पैकेज होगा, मतलब प्राथमिक और जूनियर लेवल पर जो शिक्षकों की भर्ती की जाएगी उसकी संख्या 1.5 लाख से ऊपर होगी, अर्थात 1 लाख से अधिक शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में और 50,000 से अधिक शिक्षक वो जूनियर लेवल पर और 30,000 से अधिक शिक्षक वो आपके जो है माध्यमिक लेवल पर वो भर्ती किए जाएंगे। ये बाबत की सूचना, इस बात की जानकारी कल मैंने आपको दी थी। लेकिन कुछ सुवर टाइप के लोग होते हैं, उनको सिर्फ जो है मतलब यही दिखते हैं, ये तो फलाने व्यक्ति ने कहा, हमको फलाना या ढमाका व्यक्ति से कांग्रेस क्या बोल रही, बसपा क्या बोल रही, सपा क्या बोल रही, इससे मतलब नहीं। हमें मतलब सिर्फ इस चीज से है कि प्रदेश का मुखिया क्या बोल रहा है, ठीक है ना। हमने उनकी स्ट्रेटेजी बताई आपको, हमने SCERT से जो सूचना प्राप्त हुई वो बताई आपको, हमने ये बताया कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ से प्लानिंग है कि यूपी टेट के बाद आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। मैंने ये जानकारी आपको दी थी, SCERT से जो सूचना हमें प्राप्त हुई थी मैंने उसकी जानकारी आपको दी थी। लेकिन जब मतलब कहते नहीं कि सुअर का काम है गंदगी फैलाना, बस वही चीज है। तो जो चीजें, जो बातें आपके सम्मुख में रखता हूं मैं, आपको उत्साहित करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए, ताकि आपका मनोबल न गिरे, आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे, आप पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई से विमुख ना हो जाएं, इसके लिए हम हमेशा ही प्रयत्न करते हैं। एक बहुत बड़ी मतलब सूचना निकल करके आ रही है जो कि संबंधित है आपके TGT और प्रवक्ता 2021 के परिणाम से लेकर के। कल चयन बोर्ड में जब वार्ता हुई थी तो बहुत बड़ी चीज हमको मतलब जानकारी मिली कि TGT 2021 में हिंदी, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, इन विषयों का परिणाम संशोधित किया जाएगा, इन्हें फिर से रिव्यू किया जा रहा है। चूंकि आपने देखा था कि 2021 के संस्कृत विषय के परिणाम में 125 में 125 प्रश्न सही कर गए थे, जबकि उसमें एक प्रश्न स्वयं ही संख्या वाला गलत था फिर भी 125 में 125 ले भैया, 425 नंबर का जो है मतलब 500 नंबर का हुआ था, 500 पूर्णांक पाए थे। इन सारी चीजों को चैलेंज किया गया था मेरे द्वारा और इस बात की जब नोटिस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पहुंची तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस परिणाम को रिव्यू करने का निर्णय लिया। अब यह परिणाम भले ही नियुक्ति लोग पा चुके हैं, कई लोगों का अभी समायोजन बाकी है, इस परिणाम को रिव्यू किया जा रहा है। यही कमोबेश स्थिति आपकी प्रवक्ता की है जिसमें आपको समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, रसायन विज्ञान,
संस्कृत और हिंदी के परिणाम की रिव्यू की जा रही है। ठीक है, ये परिणाम परिवर्तित किए जा सकते हैं, ये परिणाम रद्द करके फिर से इनका रिजल्ट बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस बाबत कई याचिकाएं कोर्ट में भी हमारे द्वारा डाली गई हैं। और इन सारे मुद्दों को जो है लेकर के हम जब कोर्ट के सम्मुख गए थे तो उन सारी चीजों को जो है मतलब दरकिनार नहीं किया जा सकता था, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि गड़बड़ी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, गड़बड़ी हुई है। वो गड़बड़ी क्या है वो आप भी अच्छे से जानते हो, है ना। कोई भी विद्यार्थी हो, कितना ही प्रकांड विद्वान प्रकांड पंडित हो, लेकिन वो 125 में 125 प्रश्न कभी सॉल्व नहीं कर सकता। यह तो महानता है उन विद्यार्थियों की, नहीं तो अगर वो मतलब होता तो 126 127 क्वेश्चन भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने बहुत जो है संवेदनशीलता दिखाई कि वो 125 में 125 करने में सफल रहे, है ना। इन परिणामों का रिव्यू किया जा रहा है, ये परिणाम संशोधित होने की कतार में है, और जाहिर सी बात है जब ये परिणाम संशोधित होंगे तो बहुतों की नौकरियां भी जाएंगी और बहुतों नए विद्यार्थियों को नौकरी मिल भी जाएगी, क्योंकि इसकी लड़ाई मेरे द्वारा लड़ी जा रही है और मैंने हमेशा से ही छात्र हित के लिए कार्य किया है। भले ही मैं किसी से सहयोग नहीं मांगता, सहयोग मांगने की मेरी इच्छा भी नहीं है, है ना। आप लोगों का कल्याण हो, इसी तथ्य को लेकर के, इसी बात को लेकर के हम हमेशा ही कार्यरत रहते हैं। हमें किसी से कोई आवश्यकता नहीं कोई हमारा सहयोग करे। हम जिस कार्य में हाथ लगाते हैं उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हम निपटाने का प्रयत्न करते हैं। एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं, इन विषयों का परिणाम मैं संशोधित करा के रहूंगा, संशोधित होंगे। जो गलत इंसान है, जो गलत व्यक्ति नौकरी पा गए हैं, अब तो वो पा ही गए हैं लेकिन वो निश्चिंत रहे, उनको हम कोर्ट के माध्यम से बाहर कराएंगे, और वो उस परिणाम का रिव्यू स्टार्ट भी हो चुका है और बहुत जल्दी ही उनके जो मतलब उनके ऊपर तलवार लटक चुकी है और बहुत जल्दी ही उनका पत्ता कटने वाला है। नए विद्यार्थी जो आज योग्य होकर के भी अयोग्य की कतार में खड़े हो गए कि हमें नियुक्तियां नहीं मिली, उनका सफलतापूर्वक सिलेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि वो विद्यार्थी ईमानदार थे। 118 क्वेश्चन करने वाला विद्यार्थी ईमानदार नहीं था, 125 में 125 क्वेश्चन कैसे हो गया जी, कैसे हो गया। कालिदास और बाणभट्ट से भी ज्यादा विद्वान हो आप लोग, भ्रष्टाचार की अस्पष्ट गंध इन परिणामों में दिख रही थी। और यह परिणाम रिव्यू होने की कतार में है और इस परिणाम को रिव्यू किया जा रहा है, बहुत जल्दी ही भ्रष्टाचारियों की कान कटने वाली है और वो बहुत जल्दी ही बाहर किए जाएंगे। यूपी टेट 2022 का आयोजन आप जानते हैं 23 जनवरी को किया जाना है, लेकिन कल 1000 से अधिक विद्यार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ पत्र टैग करके मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को यह कल ईमेल किया गया है मेरे द्वारा, प्रयागराज मंडल के और अन्य जिलों के कई लगभग 13 से 14 जिला अधिकारियों को मेरे द्वारा ईमेल सेंड किया गया है। वो पत्र टैग करते हुए कोविड की भयावह स्थिति को देखते हुए और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए इस परीक्षा को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट, पोलाइटली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे की गई है कि ताकि यह परीक्षा पोस्टपोन हो जाए। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन हेतु तो, और एलटी ग्रेड और सुपर टेट, सुपर टेट तो आपका निश्चित है कि एक बड़ी सुपर टेट आपको देखने के लिए मिलेगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन करके इस बात की उत्साह मन में भर आया कि जाहिर सी बात है आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है। और जिन विद्यार्थियों का 2021 टीजीटी और प्रवक्ता में वेटिंग लिस्ट आदि में है, जाहिर सी बात है अब उनके लिए स्वर्णिम दरवाजा खुलने वाला है, क्योंकि जो गंध फैलाने वाले विद्यार्थी थे जिन्होंने
भ्रष्टाचार करके नौकरी अर्जित कर ली थी, उनका रिव्यू सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और वो बहुत जल्दी बाहर करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस बात की जो पुख्ता प्रमाण था उन सारी चीजों को लगा करके तब आपका केस लड़ा जा रहा था। और हमारे कोर्ट की याचिका में जो विद्यार्थी याची हैं उनको भी याची लाभ मिलना तय है, उनकी भी जो मतलब उनके हक में जो फैसला आएगा वो उन्हीं के हक में होगा। वो विद्यार्थी शीघ्रातिशीघ्र हमारे व्हाट्सएप नंबर 88108 59006 पर संपर्क कर लें, अन्यथा की स्थिति में वो शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं और वो याचिका से बाहर किए जा सकते हैं। एक बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आपके हित के लिए और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता है, लेकिन कुछ छिछोरे टाइप के लोग जो होते हैं वो उनको खुद नहीं पता है कि वो क्या हैं, वो दूसरों को बताने चले आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी बातें जो है मतलब उन तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव माहौल आपके लिए बन रहा है। और जाहिर सी बात है परीक्षा चाहने वाले विद्यार्थी जो है मतलब अच्छे से लोकतंत्र का जश्न मनाएं और परीक्षा आपकी तय समय पर ही होंगी, विज्ञापन भी आना आपका निश्चित है सुनिश्चित है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो। अब तो इस बात की भी सूचना प्राप्त हो गई कि यूपी कांस्टेबल की 26,000 से अधिक पद की वैकेंसी वो फरवरी फर्स्ट वीक में आ रही है। कल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी जो है मतलब जानकारी प्राप्त हुई, वहां से एससीईआरटी से जानकारी प्राप्त हुई कि यूपीटेट के बाद आपको 1.5 लाख पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, 23-24 लाख विद्यार्थी टेट में बैठने चल रहे हैं, उसके पहले भी 12-14 लाख विद्यार्थी वो टेट पास करके सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, है ना। तो पदों की संख्या अगर 1-1.5 लाख रहेगी तो विद्यार्थियों को सहूलियत भी होगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको बेहतरीन मटेरियल स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहा है। अगर आप सुपर टेट यूपीपी टीजीटी पीजीटी एलटी लेखपाल आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 88108 59006 पर संपर्क कर सकते हैं और अपना नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी बहुत सुकून बहुत शांति बहुत खुशी मिलती है कि इतने लोग मेरे सपोर्टर हैं, है ना। और ये बरसाती मेढक जो आकर के टर्रा टर्रा करने लगते हैं एक आध बार जो है मतलब इनको जहरीले कोबरा से इनका जो है मतलब शिकार करवा ही देते हैं है ना। जब इनका शिकार हो जाएगा तो ये अपने आप शांत हो जाएंगे। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, आपके लिए स्वर्णिम भविष्य का दरवाजा खुलने वाला है और इन विषयों का रिव्यू होना निश्चित है। ये विषय रिव्यू होंगे और जो गलत विद्यार्थी इसमें चयनित हो गए हैं उन विद्यार्थियों का बाहर जाना तय है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपके लिए प्रयत्न करता था प्रयत्न करता है और प्रयत्न करता रहेगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।